चुनावी रंजिश में भाजपा कार्यकर्ताओं पर चाकुओं से हमला। उत्तर भोपाल विधानसभा के अंतर्गत पुराने भोपाल में उपद्रवियों का आतंक चरम पर पहुंच गया। मंगलवार को शाहजहानाबाद क्षेत्र में आतिफ अकील समर्थकों ने भाजपा कार्यकर्ताओं पर चाकुओं से हमला कर दिया, जिसमें अनुसूचित मोर्चा के भगवान दास ढालिया सहित अन्य कार्यकर्ता गंभीर रूप से जख्मी हो गए। खबर लगते ही भाजपा प्रत्याशी आलोक शर्मा शाहजहानाबाद थाना पहुंचकर लाइन ऑर्डर की स्थिति सुधारने पर चर्चा की। इस दौरान बड़ी संख्या में कार्यकर्ता वहां एकत्रित हो गए, जन सुरक्षा को लेकर कलेक्टर आशीष सिंह से फोन पर बात की। आलोक शर्मा ने पुराने भोपाल क्षेत्रों देर रात्रि बाजार खोलकर आमजनों को परेशान करने एवं भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले के विरोध में प्रदर्शन कर कलेक्टर एवं पुलिस के उच्च अधिकारियों से उचित कार्रवाई की मांग की। आप देख सकते हैं शाहजहानाबाद थाने के अंदर ये नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। अज्ञात हमलावर द्वारा 5 से 6 लोगों को आज सुबह रेजिमेंट रोड पर घायल कर दिया गया। उसको लेकर के पूरे शाहजहानाबाद क्षेत्र में पूर्व महापौर आलोक शर्मा के नेतृत्व में लोग धरने पर यहाँ बैठ गए हैं, नारे लगाए जा रहे हैं। कई घायल सभी यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ आला अधिकारी भी यहाँ मौके पर पहुँच गए हैं और पुलिस के सभी तमाम वरिष्ठ अधिकारी इस समय घटनास्थल पर मौजूद। पुलिस तेजी से जांच में जुट गई है। कार्यकर्ताओं के सम्मान में, कार्यकर्ताओं के सम्मान में भारत माता की, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भारत माता की वंदे रहे हैं कि जब कभी भी किसी विधानसभा में किसी गुंडे को जनप्रतिनिधि के रूप में जनता के द्वारा चुन लिया जाता है तो शहर के गुंडे अपने आप को संरक्षित महसूस करते हैं और फिर ये अपराध की घटना करते हैं। कितने लोग घायल हुए हैं सर इस घटना? लगभग 5 लोगों को एक निगरानी शुना बदमाश ने वारदात करी है, कम से कम 5 लोग। सर क्या घटना हुई है आपके साथ आज बताइए, कितने लोग थे मारने वाले? एक भाई थे। दो जी, क्या नाम है आपका? मेहरा। जी सर, कब हुआ, कितने बजे हुई है घटना? सर ये 9:30 बजे की बात है। हम लोग शॉप पर काम कर रहे थे, हमारी नई शॉप बन रही तो माल चिप कर रहे थे। वहाँ पर भैया से जुमा झटकी कर रहा था तो हम लोग इधर आए तो उसने छुरी मार दी। कितने थे हमलावर? एक ही था जी। जी तो आज की घटना है, क्या नाम है आपका? मोनू प्रजापति। मोनू प्रजापति, किस जगह हुई है ये? शाहजहानाबाद रेजिमेंट रोड। शाहजहानाबाद रेजिमेंट। भैया ये भी दिखाओ रुमाल। आते तेरी गुंडागर्दी नहीं चले, बंद करो, हमने करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। जय शिरो, जय शिरो, जय शिरो, जय शिरो। आते तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आते तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आते तेरी गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। बाजों को बंद करो, बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। हिंदुओं पे अत्याचार बंद करो, बंद करो, बंद करो। आतिफ तेरी गुंडा करती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आतिफ तेरी गुंडा करती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। आतिफ तेरी गुंडा करती नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। सर क्या मामला है पूरा? देखिए, जब से विधानसभा चुनाव हुए टारगेट करके हिंदू कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं को लगातार छुरियों से मारा जा रहा है, डंडों से पीटा जा रहा है। पिछले 3 दिन के अंदर लगभग तीनों चारों थानों में, हनुमानगंज थाना और टीला जमालपुरा थाना और शाहजहानाबाद थाना, लगभग 9 मामले यहां पर दर्ज कर चुके हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन के कान पे जूं तक नहीं रेंग रही है। किसी भी अपराधी को अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया। इस तरीके से
मुस्लिम गुंडों के हाथी वकील गुंडों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है, भाजपा कार्यकर्ताओं को टारगेट किए करा जा रहा है कि कौन कौन भारतीय जनता पार्टी के झंडे लगाए थे, कितने टेबल पे काम करा था, कितने वोटरों के लिए काम करा था, उन सबको टारगेट किया जा रहा है। कुल मिला के हिंदुओं का मनोबल तोड़ा जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे हमले किए जा रहे हैं। घटनाएं कब कब हुई हैं? ये कल भी हुई, परसों हुई, अभी हमारे भारतीय जनता पार्टी अनुसूचित जाति के वरिष्ठ कार्यकर्ता भगवान दास ढालिया जी, उनके ऊपर छुरी से हमला हुआ है, उन पर अड़ीबाजी की गई, 50,000 रुपए मांगेगा नहीं तो हम तुम्हें मार देंगे, ऐसे कर करके धमकियां दी जा रही है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं पे चाकुओं से हमला किया जा रहा है, तलवारों से हमला किया जा रहा है। मेरे मोबाइल में वीडियो है, पुलिस को कई बार कहा कि शाहजहानाबाद थाने में, टीला जमाल पूरा थाने में कई ऐसे गुंडे हैं, हनुमानगंज थाने में उन पे कार्रवाई होना चाहिए। आज बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई, भारतीय जनता पार्टी के हमारे वरिष्ठ नेता हैं भगवान दास जी ढालिया, संगठन के पदाधिकारी हैं, अनुसूचित जाति समाज से भी आते हैं, उनके ऊपर हमला किया गया। गुंडे तलवार लहराते हुए दुकान के ऊपर आए और उन्होंने कहा कि हमारा भाई जीत गया और इसलिए अब तुम्हें महीना देना पड़ेगा, हफ्ता देना पड़ेगा, और इसके बाद चाकू निकाल कर तलवार निकाल के उनके ऊपर हमले किए गए, वे घायल हो गए, सब मोहल्ले वाले उनको पकड़कर अस्पताल ले गए, एक की हालत खतरे के अंदर है, वो अस्पताल के अंदर ही एडमिट है। पुलिस के बीच में हम यहाँ आए हैं, चक्का जाम किया है, पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया है, धारा 307 लगाई जा रही है, जब तक गुंडों को पुलिस गिरफ्तार नहीं करेगी हम लोग अपनी बात को इसी प्रकार से थाने में आकर करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी को भी बताएंगे, पुलिस कमिश्नर से भी चर्चा करेंगे, डीजीपी महोदय से भी चर्चा करेंगे कि पुराने भोपाल के अंदर कानून का पालन होना चाहिए। पुराने भोपाल में कई दिनों से देखने में आ रहा है कि पुराने भोपाल में जो बाजार 11 बजे बंद होना चाहिए वो बाजार 4-4 बजे तक खुल रहा है, अब काजी कैंप 4 बजे तक नहीं खुलना चाहिए, अब लक्ष्मीटा की 4 बजे तक नहीं खुलना चाहिए, बुधवारा 4 बजे तक नहीं खुलना चाहिए। इसके लिए आज हमने मांग करी है, कलेक्टर भोपाल आशीष सिंह से भी मोबाइल पे चर्चा करी है, एसपी भी रिपोर्ट देंगे। मैं भोपाल की जनता को विश्वास दिलाता हूँ कि अब भोपाल में कानून का पालन होगा, क्योंकि पुनः मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन गई है, किसी को भी गुंडागर्दी करने की अनुमति नहीं दी जाएगी, और जो गुंडागर्दी करेगा तलवार और चाकुओं से जनता को डराएगा उसका स्थान थाने नहीं होगा, उसको जेल पहुँचाने का काम। सर आलोक शर्मा यहाँ पे शिकायत दर्ज करने आए थे, समर्थकों पर उनके हमला हुआ है, आतिफ पटेल के समर्थकों पर आरोप लगा है, क्या बात हुई, किस क्या कार्रवाई हुई? देखिए आज सुबह जो मिलिट्री गेट के पास में थाना शाहजहानाबाद एरिया में एक व्यक्ति जो है चाकू के साथ में आके और नशे में भी थे और लोगों से अभद्र व्यवहार किया और चाकू चलाया जिसमें 4 लोगों को चोट लगी है और फरियादी का कहना है कि उनसे अड़ीबाजी भी कर रहे थे पैसे की मांग कर। तो अभी 4-5 लोगों का मेडिकल हो चुका है और अभी थाने में आए हैं, आलोक शर्मा जी भी आए थे और फरियादी लोग भी आए थे और अभी उनकी तरफ से FIR हो रहा है और आरोपी एक गोलू का जो मुख्यतः एक नाम आ रहा है गोलू करके जो भिंड का रहने वाला है और अभी 2 साल से भोपाल उनका 2 अपराध पिछले 2 साल में उन्होंने और किए हैं, पुलिस ने प्रिवेंटिव एक्शन करके रखा था, 110 रुपये वगैरह बॉन्ड और था, तो अभी ये उन्होंने आज ये चाकूबाजी की है, तो क्योंकि जानलेवा हमला है, हमने 307 और 300 327 की धारा पर कार्रवाई की है और आरोपी के लिए टीम लगा दी। सर ये एक ही नहीं कि और भी लोग थे? 3-4 और लोगों का नाम बता रहे जो उनके साथ में है, वो भी पुलिस जो है उनके बारे में जाँच किया जा रहा है, उनके पीछे टीम लगा रहा है। तो पुलिस पे भी वो आरोप लगा रहे थे कि किसी तरह की कोई कार्रवाई नहीं करी, 5 दिन से वो यहाँ पे आवेदन दे रहे थे कि इस तरह के मामले आ रहे हैं, कोई कार्रवाई नहीं हुई। देखिए इसमें पुलिस के पास अगर कोई आवेदन आए हैं तो उसमें कोई कार्रवाई नहीं हो तो उसका भी हम जांच करके कार्रवाई करेंगे, अगर कोई दोषी है तो। रखिए देश के हर शहर हर गांव हर कस्बे की खबर पर नजर सिर्फ और सिर्फ राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल पर। अगर आप हमारा चैनल YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि आपको मिल सके लेटेस्ट अपडेट, और अगर आप हमारा चैनल Facebook पर देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें,
और अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो जुड़े राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से। राष्ट्र आजकल न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए स्क्रीन पर दिए हुए नंबर पर आप हमसे संपर्क कर सकते हैं।